हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं चटनी, जो कि सैंडविच में लगाई जाती है और आप फ्रेंकी में भी लगा सकते हैं, या सैंडविच के साथ या स्नैक्स के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको 4 से 6 महीने के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं और ये खराब नहीं होती है। तो किस तरीके से ये खराब नहीं होगी और किस तरीके से इस चटनी को बनाना है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस चटनी को। सैंडविच की चटनी बनाने के लिए चाहिए हरा धनिया, ये 1 कप हरा धनिया है, 20-25 पुदीने की पत्तियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब बूंदी, जो रायते वाली बूंदी आती है सादा बेसन की वो, काला नमक, हींग, चीनी चुटकी भर, 1 लहसुन की कली, अगर आप ज़्यादा लहसुन खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं और अगर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो आप लहसुन को बिल्कुल भी ना डालें, 1 टेबल स्पून मूंगफली, रोस्टेड मूंगफली हैं ये, नमक स्वाद अनुसार, 2 हरी मिर्च ली हैं क्योंकि अगर हम सैंडविच की चटनी को बहुत ज़्यादा तीखा कर देंगे तो बच्चे नहीं खा पाते और बिना चटनी के टेस्ट नहीं आता है, इसलिए हरी मिर्च को थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। अगर आप तीखी बनाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। 1/4 टीस्पून जीरा, 1 मिक्सी का जार लेंगे, अदरक, नींबू का रस बताना भूल गई थी, नींबू का रस, हरी मिर्च, मूँगफली, सभी चीज़ें मिक्सी के जार में डाल देंगे, लहसुन, जीरा, हींग, चुटकी भर चीनी। चीनी डालने से ये मीठी नहीं होती है लेकिन इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काला नमक 1/2 टीस्पून, नमक टेस्ट के अनुसार करीब 1/2 टीस्पून, बूंदी, पुदीने की पत्तियाँ, धनिया, अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस या आपको जितना खट्टा करना हो उतना, और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें नहीं तो चटनी पतली हो सकती है। अब इसको एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अब चटनी में थोड़ा सा पानी और मिला देंगे। जितने पानी की आवश्यकता हो आप उतना पानी मिला करके एक महीन पेस्ट बना लें। चटनी पीस करके तैयार है और कितना अच्छा कलर आया है इसका आप देख सकते हैं, एकदम ग्रीन कलर है। आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको नींबू की और ज़रूरत हो तो आप इसमें नींबू का रस और डाल सकते हैं। चटनी को एक बॉल में कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है ये चटनी। अगर आप इसको रखना चाहते हैं कि आपकी चटनी 5 से 6 महीने तक ख़राब ना हो तो आप उसको जो फ्रीज़र में डिब्बे आते हैं उसमें करके फ्रीज़र में रख दें तो उससे चटनी जम जाएगी और जब भी आपको ज़रूरत हो आप चटनी निकाल करके थोड़ी देर के लिए बाहर रख करके उसको खा सकते हैं, या तो आप उसकी क्यूब्स भी जमा सकते हैं, आइस ट्रे में डाल करके चटनी को, चटनी की क्यूब्स जमा लें और जब भी आपको ज़रूरत हो आप 1 क्यूब्स या 2 क्यूब्स निकालें और आप यूज़ कर लें। अगर आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय।